अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बर्गर बन्स। और आपको पता है बर्गर बन का इस्तेमाल तो बहुत ही ज़्यादा होता है। कभी हम इसको बटर जैम के साथ खाते हैं, मल्टीपल स्टेक्स के साथ इसको यूज़ करते हैं। ये मैंने पैटी के साथ डेमोन्स्ट्रेशन आपको दी है और ये बकरा ईद पर तो डेफ़िनेटली आपके बहुत काम आने वाले हैं। आप इनको बना कर रख लें, ये 3 से 4 दिन तक इसकी सॉफ्टनेस कहीं नहीं जाती। बस इसको आपने प्रॉपरली रैप करना है। और ये किस कदर ज़्यादा सॉफ्ट हैं, ये देखें। वाओ, सो कूल। ये देखें। अच्छा जी, सबसे पहले हमने बर्गर बन बनाने के लिए एक छोटी सी जो इसकी ट्रिक है वो करना है। उसमें हमने 2 टेबलस्पून के करीब मैंने मैदा लिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं डालूँगी 1/2 कप के करीब पानी, ठीक है। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, अब मैं इसको इसके साथ मिक्स करूँगी। और इसको हमने इसके साथ पकाना है अभी। ये देखें, ये थिकन होना शुरू हो गया है। फ्लेम मैंने मीडियम से लो रखा हुआ है, थोड़ा सा दरमियान वाला। अच्छा, इसको मैं अभी ज़रा थोड़ा सा थिकन करूँगी। ये देखें, ये हो रहा है थिक। थोड़ा सा और हम इसको पकाएंगे। नाउ इट इज़ रेडी। और मैंने फ्लेम ऑफ कर देना है, बस अब हम इसको कूल डाउन करेंगे, ठीक है। इसको मैं छोड़ दूंगी और अब हम अपना बाकी रेसिपी तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसको ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ देना है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने बर्गर बन बनाने के लिए मुझे चाहिए 2 कप ऑफ फ्लावर, ठीक है। इसमें जाएगा मेरे पास 3 टेबलस्पून के करीब मेरे पास सूखा दूध है। कोई भी ले लें, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ठीक है। 1/2 टीस्पून सॉल्ट है मेरे पास, ठीक है। 3 टेबलस्पून मेरे पास जो है वो शुगर है। और 2 टीस्पून वैसे आपने यूज़ करना है ये यीस्ट, लेकिन मैं एक पैकेट यूज़ करती हूँ, इट्स अराउंड 11 ग्राम। अच्छा जी, साथ साथ हम अपनी चीज़ें भी उठाते जाएंगे। अब मैंने इसको मिक्स कर लेना है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हल्का सा। नाउ ये जो हमारा था वो ठंडा हो चुका था, वो मैं अब इसके अंदर डाल दूंगी। चलो हिलाओ, ओके। बस 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 बस, ये बच्चों के साथ काम करना जो है ना, अकेले मामा तो जो है वो किचन में काम कर ही नहीं सकती। बच्चों के साथ जो है वो साथ साथ उनको भी ये इंगेज करना पड़ता है फिर वो, क्योंकि किचन में साथ में आपके आके खड़े हो जाते हैं। चलो बस हो गया, ठीक है। अब इसको मैंने इसके साथ मिक्स कर लेना है। साथ में मैंने डालना है इसके अंदर ऑयल, इसको मैं मिक्स करूँगी। ऑयल 3 टेबलस्पून के करीब है मेरे पास इसमें, तो मैंने मिक्स कर दिया। अब मैंने इसके अंदर टेबल स्पून करके जो है वो पानी डालना है और हाथों का काम फिर हमारा शुरू होने वाला है। तो जब भी मैंने अपने प्रोग्राम होता है रात को डिनर का, या शाम में मैंने बनाने हैं अपने बर्गर्स, तो मैं ये लाजमी जो है वो सुबह में या दोपहर में खाने के बाद इसकी डो रेडी करके रख देती हूँ, ताकि जो है वो शाम को मैं इसको फ्रेशली बेक करूँ और साथ ही जो है वो मैं इसको बर्गर में यूज़ कर लूँ।
देना है हाथों पे, वो उसके ऊपर मैंने फैला देना है ऐसे करके। नो एक्स्ट्रा नीडिंग नहीं होती है मुझसे, बस इस यीस्ट के थ्रू ही जो है वो सारा काम हो जाता है, एक्स्ट्रा नीडिंग का मेरे पास टाइम नहीं होता। तो हमने बस फटाफट से काम करना है, वो हमने वो काम करना है जिसके लिए हमें ज़्यादा किचन में खड़ा भी ना होना पड़े और फ्रेशली बेक जो है वो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों घर में। और हमने थोड़ा सा वॉल्स को भी लगा देना है इसके। अब जो है मैं इसको अपने प्लास्टिक फिल्म से कवर कर दूंगी फॉर वन और, मैंने इसको छोड़ देना है। रूम टेम्परेचर पे आप जो है वो इसको किचन में एयर टाइट करके या फिर प्लास्टिक फिल्म से कर दें, या फिर इट ऑल डिपेंड ऑन यू, या आप जो है वो ढक्कन वाला डब्बा ले लें उसमें रख लें, जैसे आसानी हो आपको। ठीक है, तो मैं बंद करके कवर करके ताकि एयर इसके अंदर जो है वो ना जाए कहीं से भी। मैंने कवर कर देना है और इसको मैंने एक घंटे के लिए रख देना है। अच्छा जी, हमारी प्रूफिंग हो गई है, एक घंटा हो गया, अब हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखें ऐसे हुआ हुआ है। ठीक है, अब हमने फिर क्या करना है, इसको दोबारा से एक दफ़ा नीट कर देना है इसको सारे डो को। स्लैब आपकी बिल्कुल नीट होनी चाहिए, इस स्लैब पे हम इसको ग्राएंगे। थोड़ा सा हमने अपना फ्लावर स्प्रेड कर देना है इसके ऊपर और उसके बाद जो है हम इसको थोड़ा सा नीट करेंगे ऐसे करके, ताकि ये ज़रा सॉफ्टी सा अपेयरेंस इसके अंदर आ जाए। नाइफ ले ले कोई भी, उससे जो है वो हमने इसके हल्के से कट लगा के देख लेने के हमारे जो है वो 6 पोर्शंस जो है वो इसके अंदर से निकल आए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये मैंने कोई भी बेकिंग ट्रे ले ली है। ठीक है, इस डिश में मैंने ये एक बेकिंग पेपर डाल दिया है, आप कोई भी पेपर डाल सकते हैं वैसे जो है, स्पेशली जैसे मैंने शवारमे का एक पेपर था तो फिर मैंने जो है वो इसमें यूटिलाइज़ कर लिया है। अब मैं इसके अंदर लगाऊंगी अपने बंस, थोड़ा थोड़ा गैप दे के आपने इसके अंदर लगाते जाना है, सबके दरमियान जो है वो गैप होना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि इन्होंने अभी फूलना है। वॉल से और उसके दरमियान गैप होना चाहिए इसके। इसको थोड़ा सा आपको फिर लग रहा है कि इसका वो गोल ठीक नहीं है, तो हम इसको मज़ीद से दोबारा से गोल करके ऐसे करके इसको हम यहाँ पर बिठाएंगे लाइक दैट। ठीक है, अब हमने इसको 30 मिनट्स के लिए ढक के रख देना है किसी भी चीज़ से। अच्छा जी, ये हमारे जो है वो देखें साइज़ में कितने बड़े हो गए हैं। Thank you.
दे मेरे अवन के अंदर। ये हमारे बर्गर बन बिल्कुल रेडी हो गए हैं, परफेक्टली गोल्डन ब्राउन, ब्यूटीफुल इन कलर। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये। इसको मैं काट के दिखाऊंगा अगर आपको यहाँ से। Look at that. How soft it is, how spongy it is. उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन तो लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी फर्दर वीडियोस मिल सके। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, लाइट सा स्वीट एंड टेस्ट होता है इनका। ये मेरे दो बच गए थे तो मैंने इसको डब्बे में डाल दिए हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।